जय श्री माँ काल, जय माता रानी की। आप सभी का माता रानी कल्याण करे और आप सभी को सुखी रखे। इस वीडियो में बात करेंगे यक्षिणी साधना पर कि यक्षिणी साधना सिद्ध करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको देंगे। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। यक्षिणी साधना सिद्ध करने से क्या होता है और उसको कैसे करना है, उसके क्या लाभ है, उसके क्या फ़ायदे है, वो सब आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं कि यक्षिणी साधना एक ऐसी साधना है जिसको हर कोई नाम से सुनते ही कहता है कि हमें भी करनी है, लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसको समझने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। मान लीजिए कोई नया साधक होता है तो उसकी सोच होती है कि हम भी यक्षिणी साधना करें, योगिनी साधना करें, करण पिशाचनी साधना करें। ये शक्तियाँ बहुत सारी होती हैं और अलग अलग होती हैं। इनके लाभ, इनके फायदे, इनके नुकसान, ये भी सब होते हैं, लेकिन इसको समझना पड़ता है। प्राचीन काल से आप देखे आ रहे हैं कि जो भी साधक होते हैं, तंत्र क्षेत्र में कोई नया साधक होता है तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि यार ये करता था तो पागल हो गया, ये ऐसे करता था वो पागल हो गया। तो तंत्र नाम से लोग डरते हैं। ये एक हकीकत भी है और कुछ उसके पीछे की कुछ सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, इसके जानने के लिए भी अपने को उसके बारे में सोचना चाहिए। आज बात करेंगे यक्षिणी साधना पर ही। यक्षिणी साधना आप माने या ना माने, लेकिन ब्लैक मैजिक, विशेषकर जो ब्लैक मैजिक में आगे बढ़ना चाहता है, काले जादू की क्रियाएं करना चाहता है, उनके प्रैक्टिकल करना चाहता है, और ब्लैक मैजिक एक ऐसी साधना होती है जिसके ज़रिए इंसान पल भर में कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये हर किसी के लिए संभव भी नहीं है। हर कोई जानता है कि यार ये हकीकत है, अपने को ऐसा करना है, अपन ऐसा कर देंगे, किसी के साथ वो करो, किसी के साथ ये करो वो, लेकिन ये हर किसी को संभव नहीं है ना। दिक्कत यहाँ आती है। तो इसको संभव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको यक्षिणी साधना के लिए सबसे पहले तो ये समझना है कि ये नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, कि जब तक इनके वश में अपन रहते हैं और ये हमारे वश में रहती हैं तब तक सब कुछ सही चलता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य का जीव जैसे ही भटकता है ना, वैसे इन शक्तियों का भी जीव भटकता है। मान लीजिए आप किसी लोभ लालच की बात करते हैं, इंसान को अगर कोई भी थोड़ा सा लोभ दे दिया जाए कि यार ये कर दे, ऐसे इतने पैसे दे देंगे या इतना धन दौलत दे देंगे या ये वो कर देंगे, तो इंसान का मन क्या है, भटक जाता है, थोड़े से धन के लिए भटक जाता है। बस इनका भी मन ऐसे ही भटकता है। अगर उनको लगता है ये कुछ मांगे जाए, कुछ मांग की जाए साधक के ज़रिए या किसी भी तरीके से, ये सत्य क्या होती है, जैसे कोई साधक होता है, नया साधक होता है, तो वो पूर्ण रूप से इसके वश में आ जाता है, पूर्ण रूप से आ जाता है, वो इन्हें ही सब कुछ मानने लग जाता है कि आप ही मेरे सब कुछ भगवान हो, आप ही मेरी शक्ति हो, आप ही मेरे इष्ट हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। जब साधक ऐसा करता है तो ये शक्तियाँ है बस इसी पल के इंतज़ार में रहती है कि क्या करना है। तो इतना जब पूर्ण रूप से साधक है वो इनके वश में हो जाता है तो इनके पल का इंतजार पूर्ण हो जाता है। जब इनके पल का इंतजार पूर्ण हो जाता है तो ये शक्तियाँ धीरे धीरे उस साधक पर हावी होने लगती हैं और इस साधक को फिर जैसे नंगे को नचाते हैं ना, वैसे साधक को ये नचाने लग जाती है। ये नए साधक को समझना चाहिए। नए साधक बहुत से सोचते हैं यार यक्षिणी साधना करनी है, लेकिन करनी है उसके पीछे कई सारे रहस्य होते, कई सारे
कुछ पॉइंट होते हैं उनको समझना पड़ता है। मैंने इतनी बातें बताई, आप समझ गए होंगे शायद कि यक्षिणी साधना क्या है। तो बस उस पल के इंतज़ार के बाद यक्षिणी होती है, वो साधक के साथ में, वो सब इतने दिन यक्षिणी करती थी, लेकिन उसके बाद में कुछ साधक को भी करना पड़ता है। जब साधक अपने अहम की भावना से चलने लगता है तो वही शक्तियाँ होती है, यक्षिणी शक्ति होती है, वही शक्तियाँ होती हैं जो साधक को किसी तरीके से कहीं ना कहीं फिसलाने की पल में रहती है कि इसको उस जगह जाके इसको फिसलाना है, इस जगह जाके उसको थोड़ा कुछ बताना है। तब जाके वो साधक सोचता है, यार ये कैसे हो गया। फिर वापस उस शक्ति को बुलाता है, तब वो शक्ति कहती है, यार मैंने तुझे ये कहा था, तूने ये नहीं किया, इसलिए ये हुआ। अब साधक क्या होता है, उस समय उस शक्ति के वश में पूरा ही फंस जाता है। अब वो ना तो कोई नई शक्ति तक पहुंच सकता है, और जब तक वो नई शक्ति तक पहुंचने की कोशिश भी अगर कर ले, मान लीजिए, तो वो उस नई शक्ति तक नहीं पहुंच सकता। उससे पहले ही वो ये शक्तियाँ होती है, ब्लैक मैजिक की शक्तियाँ होती हैं, उस पर काबू पा लेती है और उसको उस रास्ते जाने से रोक लेती है। इस बात को समझना है आपको, अच्छे ढंग से समझना है। अब वैसे YouTube पर बहुत सारे साधु संत है, बहुत सारे साधक भाई है, सब कुछ बताते, यार वो करना है, ऐसे करना है, ये धन देती है, वो देती है, सब कुछ देती है, लेकिन इनकी हकीकत है उनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। हमने भी दे रखे मंत्र वगैरह बहुत से, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप अगर उस शक्ति को पा लेते हैं तो आपके पास में विशेष शक्ति का होना भी अति आवश्यक है। इस बात को भी समझना है आपको। विशेष क्या, जैसे आप तंत्र क्षेत्र में हैं तो आपके इष्ट कोई विशेष होने चाहिए, आपकी जो शक्ति है मेडिटेशन शक्ति, आप जो ध्यान योग करते हैं वो किस शक्ति के मंत्र से करते हैं या किस तरीके से करते हैं। अगर कोई इंसान मेडिटेशन में पारंगत है पूर्ण रूप से, जैसे गायत्री साधना करता है, शिव साधना करता है या और कोई बौद्धिक साधनाएँ करता है, अगर वो पूर्ण रूप से पारंगित है तो ये शक्तियाँ उस पर हावी नहीं होगी, उनका कार्य सिद्ध तरीके से करेगी और जब चाहेंगे तब उसको त्याग भी सकेगा साधक। लेकिन अगर दूसरी कोई नहीं है और उसी शक्तियों को, ब्लैक मैजिक की शक्तियों को ही पूर्ण रूप से अपना इष्ट मानते हैं, भगवान मानते हैं, तो फिर उनके लिए ये खतरा साबित होती है। आज समझते हैं अपन, बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये साधक था, पहले इतना कुछ जानता था, बहुत बड़ी आत्मा थी, बहुत बड़े महात्मा थे, लेकिन ये क्या हो गया कि ये पागल हो गया। ये एक कारण होता है, क्योंकि वो पहले खोपड़ी थी एक, समझे आप कैसे थी, क्योंकि उसके बस में ब्लैक मैजिक की शक्तियाँ थी और जो ब्लैक मैजिक की शक्तियाँ थी वो उसको एक पल में सब कुछ बताती थी। जब वो बताती थी तो वो जनता तक, वो वर्ड है, वो उसकी परिभाषा है, जनता तक वो सब खबर देता था कि ऐसे होगा, ऐसे हुआ है वो, तब लोग उसको अच्छे मानते थे, यार ये तो बहुत बड़ा महात्मा है, ये सब कुछ है, वो है वो है। लेकिन जब उनकी शक्तियों का उस पर काबू होने लग गया तो फिर उसको पागल बनाया गया। अब वो पागल कैसे बनाया गया, क्योंकि उनकी राहें होती है अलग होती है, वो भी अपने दुनिया की साथ के साथ में रहते हैं। समस्या यह आती है कि जैसे इंसान सोचता है कि यार मेरी ज़िंदगी में ये होना चाहिए, तो वो शक्तियाँ भी सोचती है कि हमारी ज़िंदगी में यह होना चाहिए। जब इंसानी दुनिया, इंसान छोड़, इंसान होता है वो इंसानी दुनिया छोड़ के उनकी शक्तियों के बस में जाने के लिए उसको रास्ता नहीं मिलता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए उनको रास्ता नहीं मिलता है, वो नहीं पहुँच सकता है, तो फिर क्या होता है कि वो शक्तियाँ होती है इस पर हावी हो जाती है और उनको माइंडली टॉर्चर होती है। फिर वो माइंडली टॉर्चर होते 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 कुछ दिनों के बाद में वो इंसान है एक पैरानॉर्मल स्थिति में
जैसे उसको पागल कहते हैं, वैसी स्थिति में चला जाता है। क्योंकि उनके पास में जो शक्तियाँ थी वो ही थी, स्वयं की कोई शक्ति नहीं थी। अगर स्वयं की शक्ति होती तो वो साधक है, वो पागल नहीं होता, वो रास्ते से नहीं भटकता। लेकिन उसके पास में कोई शक्ति नहीं थी, वो तो सब कुछ उन्हीं को इष्ट मानता था, उन्हीं शक्तियों को सब कुछ मानता था, और सर्वश्रेष्ठ बड़ा साधु बन के बड़ी कुर्सी लेके लोगों के सामने बैठता था और बड़ा बड़ा ज्ञान बता रहा था। लेकिन जब उन शक्तियों ने हाथ खींचा तो उनकी कुर्सी के पाइये हिलने लग गए, और जब हिल गए और टूट के नीचे गिर गए तो जैसे ही वो नीचे धड़ाम हो गया, उसको माइंडली विस्फोट हो गया और वो पागल हो गया। समझे आप इस बात को? समझे, ये हकीकत है, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। ऐसी शक्तियों की साधना करना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर सिद्ध भी कर लेता है तो कंट्रोल करना फिर हर किसी के बस की बात नहीं है। ज़्यादातर यही कहते हैं ना कि इनका अंत होता है, यक्षिणी साधना करने वालों का, करण पिशाचनी वालों का इनका अंत बुरा होता है। आप कोई सा भी वीडियो यूट्यूब से उठा के देख लीजिएगा, सभी में यही कहते हैं कि उनका अंत होता है वो बुरा होता है। अंत बुरा इसलिए होता है, ये मैंने पूरा इस वीडियो में आपको बता दिया है। इनका अंत है वो इसीलिए होता है क्योंकि वो उन्हीं को सब कुछ मान के बैठता है और स्वयं की उसमें कोई भी शक्ति नहीं होती है। जब स्वयं की सिद्धि और स्वयं की शक्ति नहीं होती है, इष्ट शक्ति नहीं होती है और वही सब कुछ होती है, तब उस इंसान का अंत है वो बुरा होता है। ये बुरे होने का कारण है। आप समझ गए होंगे इस बात को पूरे ढंग से, और ना समझे तो इस वीडियो को बार बार देखिए और मेरी बातों को समझिए। इस दुनिया में बहुत सारी शक्तियाँ हैं, सभी का अलग अलग रहस्य है, उनको जानना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है। और आगे के वीडियो में और शक्तियों के बारे में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। जय श्री महाकाल। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप कमेंट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय माँ गायत्री।